आज हेब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बाइपास सर्जरी दिल्ली एम्स रे आज सका बाइपास सर्जरी होने राष्ट्रपति भवन पक्ष मार्च 27 तारीख में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छाती में जंत्रणा अनुभव करने दिल्ली इंडियन आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती करम्स को स्थानांतर कर स्वास्थ्य परीक्षा पर प्लांट बाइपास प्रोसीजर करने को डाक्तर परामर्श देते स्वास्थ्यावस्था स्थिर रही बेले विशेषज्ञ मैंने स्वास्थ्य पर नजर रखिता सरकारी स्तर में कहुई पूर्व स्वास्थ्यावस्था नहीं उद्वेग प्रकाश कर द्रुत आरोग्य कामना व्यक्ति को राष्ट्रपति धन्यवाद जन गत शुक्रवार छाती जंत्रणा अनुभव करने से रुटीन चेकअप डाक्तखाना भर्ती होते पर अधिक परीक्षा निरीक्षा एम्स को स्थानातर कर तेज आज हेब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बाइपास सर्जरी दिल्ली एम्स रे आज सका बाइपास सर्जरी होने राष्ट्रपति भवन पक्ष मार्च 27 तारीख में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छाती में जंत्रणा अनुभव करने दिल्ली इंडियन आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती एम्स को स्थानांतर कर स्वास्थ्य परीक्षा पर प्लांट बाइपास प्रोसीजर करने को डाक्तर परामर्श देते स्वास्थ्यावस्था स्थिर रही बेले विशेषज्ञ मैंने स्वास्थ्य पर नजर रखिता सरकारी स्तर में कहुई पूर्व स्वास्थ्यावस्था नहीं उद्वेग प्रकाश कर द्रुत आरोग्य कामना व्यक्ति को राष्ट्रपति धन्यवाद जन गत शुक्रवार छाती में जंत्रणा अनुभव करने से रुटीन चेकअप डाक्तखाना भर्ती होते पर अधिक परीक्षा निरीक्षा एम्स को स्थानातर कर ए संपर्क अधिक आलोचना करने आलोचना पे आम सहित फोन लाइन में उपस्थित रही डॉक्टर पंचानन साहू हृदरोग विशेषज्ञ श्रीयुत साहू आपको स्वागत करुच्छे कलिंग टीवी को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बाइपास सर्जरी हेब प्लांट बाइपास प्रोसीजर करने को डाक्तर परामर्श दे जानवा चाहबू ये प्लांट बाइपास प्रोसीजर प्रकृति में कौन कहीं होता है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद आमर 27th रे आर्मी हॉस्पिटल एडमिशन नहीं तापर स्थानांतरित हेले आमर एम्स को तांकर कोरोना रेट रे बाइपास सर्जरी होवार अछि ई कोरोना रे आर्टरी आमर 3टी आर्टरी बा साइड रे 2टा मेन आर्टरी एवं डाहाण पाखरे बा राइट साइड रे गुटी मेन आर्टरी थाए ई आर्टरी बा तार कोनसी मुख्य ब्रांच रे जदि ब्लॉक हो जाए ताले आमर ताकू कोरोनरी आर्टरी डिजीज आमे कहू जो आइदर एंजियोप्लास्टी बा बाइपास सर्जरी दरकार हुए आर्टरी ग्राफ्ट नहीं भेन रु निया जाए गोटे ग्राफ्ट बा आमर आर्टेरियल ग्राफ्ट अच्छी जोटा लिमा निया जाए नहीं गोटे बाइपास से ब्लॉक तल को फ्लो आनिबा पई गोटे ग्राफ्ट लगे दि जाए से ग्राफ्ट रे ब्लड फ्लो कले तार से जो ब्लॉक जनित जो प्रॉब्लम टाकु आमे चिकित्सा द्वारा ताकु सफल भाव चिकित्सा करि पारु तेणु जोटी एंजियोप्लास्टर सूचक नथाय जाटा मल्टीपल वेसल रे ब्लॉक थाए से जगह रे बाइपास सर्जरी आमको खूब भल फल देथाय सफलता देथाय ई बाइपास सर्जरी ए गोटे अफ पंप आन पंप दुई प्रकार बाइपास सर्जरी करा जाए प्रेसिडेंट कर एम्स रे आज बाइपास सर्जरी हम तेणु तांकर ए कोरोनरी आर्टरी रे मल्टीपल जगह ब्लॉक अछि से पे तांको बाइपास सर्जरी पे निया जाय छि आज बाइपास सर्जरी हेला पर जणा पड़िबो तर निश्चित सफल भाव रे एटा हेइ परिबो ए बाइपास सर्जरी पर जीवन प्रति केते विपद रही थाए ना विपद टळी जाय थाए नहीं जो प्रोसीजर जनित बा ऑपरेशन समय जोटा मोर्टालिटी बा रिस्क वर्तमान बहुत कम आगर जोटा हमें 5% भावुल वर्तमान नेग्लिजिबल बा लेस देन 1% रे भी आमर
ऑपरेशन जनित जोटा रिस्क आम कह बहुत बहुत कम बर्तमान से जो आगे जोटा थी आमर आनास्थेसिया एवं सर्जरी रो इम्प्रूवमेंट सहित से रिस्क बहुत मात्रा रे कमी जाई छी तेनु बायपास सर्जरी वर्तमान आमे भाबा कथन में गुटे डेंजरस ऑपरेशन जे किछि लाइफ रो बहुत बडा रिस्क किछि नाही एंती किछि नाही रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क किछि नाही त सर्जरी परे राष्ट्रपति को कोटना कोटी पूर्ण थरे से रूटीन चेकअप करबा को पड़िबो। हां प्रथमे सर्जरी रे साधारणतः 7 दिन भीतर रखी 7 दिन पूर्व भी डिस्चार्ज कर दिया जाए तापरे 10 दिन पर गोटे चेकअप करी फर्दर प्रति 3 मास पर प्रति 6 मास थे चिकित्सा चेकअप करने को पड़ो।